वेलकम टू अनुज क्विक रेसिपीज एंड लाइफस्टाइल। आज लेकर आई हूँ आपके लिए फिर से एक बंगाली ट्रेडिशनल स्वीट रेसिपी। इसको कहते हैं दूध पुली। ये विंटर्स में स्पेशली बनाया जाता है जब खजूर का गुड़ जो है वो अवेलेबल होता है, और ज़्यादा इसको मकर संक्रांति के दिन ही बनाते हैं। आइए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है 2 कप ग्रेट किया हुआ नारियल। एक कढ़ाई में मैंने लो फ्लेम पे इसको हल्का हल्का सा इस तरह से 1 मिनट करने के बाद इसमें डाल दिया 1 कप गुड़ का पाउडर। आप चाहें तो कोई और गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मल गुड़ को आप काट कर डाल सकते हैं, मैंने गुड़ पाउडर इस्तेमाल किया है। अब इसको हमें धीरे धीरे इसी तरह से मिक्स करते जाना है जब तक कि गुड़ गल कर अच्छी तरह से नारियल के साथ बाइंड ना हो जाए। एक पूरी तरह से गल कर मिक्स हो जाएगा और एक बाइंडिंग सी कंसिस्टेंसी आ जाएगी। करीब 6 से 7 मिनट लगेंगे आपको ये करने में मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए इस तरह इसका जो मॉइस्चर है वो थोड़ा कम हो जाए, पानी ना रहे इसमें, तब तक हमें करना है। इस मिक्सचर में हम डाल देंगे 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, 1/2 चम्मच। अब इसमें हम डालेंगे कुछ चॉप्ड नट्स, काजू, आमंड, किशमिश, ये आपके ऊपर है, ऑप्शनल है, ये आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको एक मिक्स करके अब हम इसे अलग रख देंगे ठंडा होने को। दूसरी तरफ हम लेंगे एक पैन में 1 कप पानी, उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1 चम्मच घी, और हल्का सा गर्म होने देंगे। थोड़ा गर्म हो जाने पे इसमें हम डालेंगे 1 कप चावल का आटा, और इस तरह से उसको लगातार मिलाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से, ताकि आपस में ये बंध जाए, बाइंड हो जाए। अब फ्लेम को ऑफ करके इसको हल्का सा कूल होने के लिए हम रख देंगे। दूसरी तरफ 1 लीटर दूध बॉईल करने को हम चढ़ा देंगे, फुल क्रीम दूध। फिर अपने हाथों में थोड़ा सा घी लेकर चावल के आटे को हमने अब गूथ लेना है, इसका एक डो सा बना लेना है हमको इस तरह से। फिर इसमें से एक छोटा सा पोर्शन लेंगे हम, और एक बॉल बना के अब उसको इस तरह से हम फ्लैट करेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे हमारा नारियल और गुड़ का मिक्सचर। थोड़ा सा मिक्सचर लेके फिर हम उसको हाफ में फोल्ड कर देंगे इस तरह से। सर्कल को हमने हाफ में मोड़ देना है। साइड्स हमें इसकी अच्छी तरह से सील करनी है, जरूरत पड़े तो थोड़ा मोड़ कर फिर प्रेस करके हम सील कर देंगे इस तरह से। ऐसे ही हमें बाकी के आटे और गुड़ का कर लेना है। दूध हमारा उबल रहा है, इसको चलाते जाना है हमें, बार बार स्टर करते रहना है। और जब ये लगभग 1/2 क्वांटिटी में पहुंच जाए तब इसके अंदर हम डाल देंगे हमारे बनाए हुए जो चावल और नारियल के डंपलिंग्स जैसे हैं, उसको इसके अंदर हम डाल देंगे। इनको डालने के बाद भी हमें करीब 12 से 15 मिनट तक पकाना है। फिर डाल देंगे 1/2 चम्मच इलायची पाउडर,
और 15 मिनट के बाद हम इसमें डाल देंगे गुड़। मैंने 2/3 कप लिया है, 2/3 कप मैंने गुड़ लिया है। यहाँ पे खजूर वाले पटाली गुड़ का इस्तेमाल किया है, आप कोई भी गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्लेम को ऑफ कर देंगे, बाकी का गुड़ इसकी गर्माहट से ही पिघल जाएगा। नट्स से गार्निश करके सर्व करें, गरम ठंडा दोनों ही बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।